अब आप ये देखें ना कि हमने इसमें 500 डिपॉजिट किए हैं और 437 इसके ऊपर प्रॉफिट बनाया, तो ये बग़ैर किसी भी रिस्क लिए ये मैंने काम किया है, ठीक है ना। इसके अंदर मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, ठीक है ना। तो अब आप ये देखें कि इसको मैं हिस्ट्री ऊपर चलाता हूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने किस तरीके से इसके ऊपर काम किया है। तो बाय और सेल दोनों डायरेक्शन में किया है, और एक ख़ास टेक्निक होती है जो लाजमी मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, और अगर ये टेक्निक सीख लें तो रोज़ाना कोई भी बंदा 10% से लेकर 50% तक रोज़ाना बना सकता है बगैर किसी रिस्क को लिए। इसमें देखिएगा आप मैंने कितनी एंट्री मारी, मैं ऊपर करता हूँ इसको, ये देखें आप, ये दूसरा पेज है और इसमें नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, कोई मसला नहीं है ऐसा। ये तीसरा पेज है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों जो है ना आपके काम का हिस्सा होता है। ये चौथा पेज है, लेकिन हम एंट्रीज को ऐसे ही छोड़ते हैं, ठीक है ना। या तो एसएल हिट होगी या टीपी हिट होगी, इस तरीके से। तो एसएल और टीपी दोनों ही इस सिस्टम का हिस्सा होते हैं। आप ये देखें, पूरा नीचे तक लेकर जाऊँगा मैं, सारा दिखाऊँगा आपको। ये देखें, जब तक ये पूरी हिस्ट्री नहीं हो जाएगी मैं इसको इसी तरह स्कोर करूँगा। बहुत ही दफ़ा मैंने सेल स्टॉप, और ये देखें आप, पूरी हिस्ट्री हो गई ना। आखिर में बैलेंस लिखा हुआ है 500, दोबारा ऊपर से दिखाता हूँ आपको। ये देखें आप, ये 500 डिपॉजिट किया, डेट भी देख लें, सब कुछ देख लें, और 437 इसके अंदर प्रॉफिट हो गया। अब आपको इसकी मेन स्क्रीन दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये देखें, ये मेन स्क्रीन है, इसके अंदर बाय लिमिट सेल लिमिट सब लगी हुई है, सब सेटिंग की गई। ये एक बहुत ही आला किस्म का तरीका है रोबोटिक मेरा, जिसके रोबोट को भी मैंने इसी तरह से डिज़ाइन किया हुआ। तो ये रोबोट पे तो नहीं लगाया हुआ, ये तो मैंने मैनुअल लगाई है एंट्रीज, लेकिन आप ये देखें इसकी ये मेन स्क्रीन है। इस वक्त मार्केट से जो हो गई है तो सिर्फ एक एंट्री 0.01 की लगी हुई है और कुछ नहीं लगा हुआ इसके ऊपर, बाकी सब सेटिंग हुई हुई है। चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ये अपना काम करेगा, ठीक है ना।